अगर आपके पास कोई स्पीड पोस्ट है, यानी अगर आपने किसी को कुछ डॉक्यूमेंट या लेटर या फिर कोई भी चीज अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी है और अब आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने जो भेजा है वो कहाँ पर पहुँचा है, तो ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इससे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ट्रैकिंग और स्पीड पोस्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने स्पीड पोस्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप एक स्पीड पोस्ट करते हैं तब तो आपको कुछ इस प्रकार की एक टिकट दी जाती है और इस टिकट में आपको एक आर्टिकल नंबर मिलता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर देखने मिल जाएगा और आप सिंपली इस आर्टिकल नंबर का यूज करके अपने पैकेज को ट्रैक कर सकते हैं। एंड टू ट्रैक इट आपको जाना होगा इंडियन पोस्ट की वेबसाइट में, या गूगल में लिख सकते हैं इंडिया पोस्ट या इंडियन पोस्ट, जो भी आप चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक देखने मिल जाएगा indiapost.gov.in, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें और वेबसाइट खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। कैलकुलेट पोस्टेज, यानी कि आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा एक पोस्टेज पे, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई पिन कोड आपको सर्च करना है, स्टैम्प बाय कर सकते हैं एंड सो ऑन। जैसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें सिंपल हमारे कंसाइनमेंट या फिर हमारे पैकेज को ट्रैक करना है। फॉर दैट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ट्रैक एंड ट्रेस में कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर अपना नंबर लिखना होगा, जो भी आपका आर्टिकल नंबर है। मेरे पास एक आर्टिकल नंबर है, वो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लूँगा और आर्टिकल नंबर के आखिरी में आपको देखने मिलेगा IN। तो आपको ये पूरा का पूरा नंबर कुछ इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद देखेंगे कैप्चा कोड कैसा लिखा है एज इट इज, आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और क्लिक करेंगे ट्रैक नाउ। एंड आफ्टर क्लिकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसाइनमेंट कब कहाँ पर कितने बजे बुक किया गया था, इसका डेस्टिनेशन क्या है, टैरिफ यानी कि कितना चार्जेस पे करने पड़े एंड सो ऑन। जैसे कि हम देख सकते हैं ये मैंने बुक किया था दुर्ग से, कब बुक किया था, डेट और टाइम देखने मिल जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है इसका, उसके बाद इसमें कितने चार्जेस लगे, आर्टिकल किस प्रकार का था और इसकी डिलीवरी लोकेशन होगी रायपुर। साथ साथ इवन आपको यहाँ पर अलग अलग इवेंट के डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं 14 तारीख को 12 बजे मैंने इसे सेंड किया था, उसके बाद 14 तारीख को 4 बजे ये आइटम बैग हो गया, उसके बाद डिस्पैच हुआ एंड फाइनली अगर हम देखें यहाँ पर रात को 9:15 बजे रायपुर NSH में रिसीव हुआ है। यानी कि अभी तक ये जो पैकेज है मैंने जिसके पास भेजा है उन तक ये रिसीव नहीं हुआ है। और जब ये रिसीव हो जाएगा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने मिल जाएगा आइटम रिसीव बाय द रिसीवर। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस या फिर अलग अलग इवेंट्स जितने भी होते हैं हमारे पैकेज के साथ, वो पूरे के पूरे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।